लेकर दूसरे तमाम करों तक बस केवल एक ही कर अदा करना होगा, फिर वो चाहे व्यापारी या फिर कारोबारी या खरीदार हो या उपभोक्ता, एक ही जगह देश का कर चुकाएगा। आजादी के बाद के सबसे बड़े टैक्स सुधार की तस्वीर साफ हो चुकी है। जीएसटी के तहत टैक्स को चार स्लैब में बांटा गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। टेलीकॉम और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए 18%, ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 5% टैक्स लगेगा। हालांकि मेट्रो, नॉन एसी ट्रेन और धार्मिक यात्राओं से जीएसटी को राहत मिली है, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा जीएसटी के दायरे में नहीं है। जीएसटी का असर सोने चांदी की कीमतों पर भी दिखाई देगा। सोने से बनी ज्वेलरी पर जीएसटी आने के बाद मौजूदा 18% मेकिंग चार्ज घटकर 5% हो जाएगा, जिससे सोने चांदी से बनी वस्तुएं सस्ते होने की उम्मीद है। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी ज्वेलर 10,000 रूपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर पाएगा। साथ ही पुरानी ज्वेलरी बेचने पर रिवर्स चार्ज देना होगा। सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने से देश में टैक्स का ढांचा पारदर्शी होगा, जिससे टैक्स विवाद काफी हद तक कम होंगे। इसके लागू होने के बाद राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स और एंट्री कर जैसे टैक्स खत्म हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ कारोबारियों को राहत मिलेगी बल्कि उन ग्राहकों को भी 10% की टैक्स राहत मिलेगी जो अभी सारे टैक्स मिलाकर करीब करीब 30-35% का टैक्स चुकाते थे। ये टैक्स अब घटकर 20-25% हो जाएगा। फिलहाल तो उम्मीद यही है कि जीएसटी लागू होने के बाद कीमतों पर काफी असर देखने को मिल सकता है। बटर मिल्क डॉक्टर सचिन, आपसे एक सवाल है मेरा कि ये जो चिंता रही है वो एक तो प्रॉफिट के लॉस की है, हालांकि उसमें एक कंपनसेशन वाला फंड है जिसको पूरा किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कितना हद तक वो जो चोरी, कर चोरी वाली होती थी, जो इविजन होता था, टैक्स इविजन, उसकी कितना फुल प्रूफ ना भी सही, लेकिन कितना वो गैप फिल हो पाएगा, कितना आप देखते हैं? एक बड़े हद तक ये गैप फिल हो सकेगा, क्योंकि जैसा हमने पिछले सेगमेंट में चर्चा करी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से एक बड़ा वर्क तैयार किया जा रहा है जो इस सिस्टम के साथ हुक्ड अप होगा। तो उसमें अगर किसी एक पॉइंट पर कोई इवेट कर भी रहा है और 5 दूसरे लोग उस सिस्टम में जुड़े हुए हैं और उन्होंने उसी के ऊपर इनपुट आपको उस सिस्टम को दिया है, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम में, जैसा हमने सेल्फ पुलिसिंग की बात करी, अपने आप वो सिस्टम इवेडर्स को पकड़ करके सामने लेकर के आएगा। तो अब बचने की संभावना ज्यादा नहीं है, ज्यादा संभावना इस बात की है कि एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत सभी उस व्यवस्था के एक अंग बन सकेंगे, इसलिए इवेजन की संभावना अब ज्यादा नहीं है। एक चीज मैं आपसे, इस सरकार ने जिस तरह से कुछ चीजें ली है, मतलब अगर इस गवर्नमेंट का बात किया, पहले खाते खुलवाना और जितना एक तरह का ड्राइव करना, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, फिर आपका जो सारा ट्रांजैक्शन होगा वो डिजिटल की तरफ है, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कई तरह की बात हुई कि आप एनपीए को कंट्रोल किस तरह से करेंगे। Right on all your television screens, you can see packed Central Hall. Interestingly, Central Hall has been fitted with new carpets and sound systems for the big night. The event will start at 11 PM and extend after midnight to usher in GST on July 1st. In fact, the new date, earlier the date was set, the April 1st was the deadline, which was missed, and July 1st became the new deadline. A gong will be sounded at 12 to signal GST is here. President Pranab Mukherjee and Prime Minister Modi will make speeches at the high table of the Central Hall. Former Prime Minister HD Devegowda will also join them with Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan and Chairman Rajya Sabha and Vice President Hamid Ansari. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh was also invited, but the Congress boycott means he will not be there. And nearly 1,000 people are expected to witness the launch of what is being called the biggest tax reform since independence. The government has invited all members of parliament, chief ministers and state finance ministers. However, opposition parties like the Congress, the left, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's TMC, DMK and Lalu Yadav's RJD are boycotting the event. जहां आप देख सकते हैं, जो हम आपकी तस्वीरें सेंट्रल हॉल से दिखा रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद बस पहुंच गए हैं, संभवतः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इंतजार भी किया जा रहा है। कुछ ही समय के बाद 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें यह कि कार्यक्रम की शुरुआत में एक इंट्रोडक्टरी स्पीच वित्त मंत्री अरुण जेटली रखेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा और आखिर में राष्ट्रपति इस जीएसटी को लॉन्च करेंगे, उनका भी छोटा सा
भाषण होगा, उसके बाद लॉन्च करेंगे और मध्य रात्रि को जीएसटी लागू कर दिया जाएगा इस देश में. राइट, द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस. द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी रोल्ड आउट फ्रॉम द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी फ्रॉम द सेम पोडियम वेयर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गेव हिज हिस्टोरिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच टू डिक्लेयर इंडियाज इंडिपेंडेंस एट द मिडनाइट ऑफ ऑगस्ट 14, 15, 1947. Finance Minister Arun Jaitley earlier has said that he thought of the grand hall function in the Central Hall to mirror the contributions made by different parties and the states in bringing the new revolutionary tax regime. The Central Hall had previously hosted a function to mark 50 years of independence. This is the fourth such function which is going to mark not a historic event but something which is really going to define the economic future of this country. वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंच चुके हैं सांसदों से मिलते हुए एक हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि एक बड़ा कदम अरुण जेटली जी को भी श्रेय जाता है कि वो तमाम मीटिंग्स को न सिर्फ उन्होंने चेयर किया बल्कि संभवतः इस तरह से केंद्र सरकार ने भी एक पहल की है. जो कंसर्न, जो चिंताएं राज्यों की रही उनको दूर करते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठकों में उनको दूर किया गया. कुछ राज्यों की मांग थी कि इसको थोड़ा और टाला जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को उठाना कि 1 जुलाई से ही जीएसटी को लागू किया जाएगा और वो अब क्षण बिल्कुल आ गया है. कुछ ही समय बचा है, तकरीबन 1 घंटा 16 मिनट कह सकते हैं कि 1.25 घंटा है और कुछ ही समय के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे. ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं. The Central Hall is a place of historical significance. The transfer of power on 15th August 1947 from British to Indian hands took place in this hall. The Indian Constitution was also framed in the Central Hall. The Central Hall is considered a very important part of the Parliament building. This is where the Indian Constitution was drafted. The GST document that runs into 213 pages is expected, as Union Finance Minister Arun Jaitley earlier had said, is going to spur growth, competitiveness, indirect tax simplification and greater transparency. A very, very historical moment also for this country, the fact that it's going to GST is a beginning of a new era in terms of economic integration, economic revolution as many are calling it. But will this really also, much depends on the implementation of GST. First 6 months of GST implementation will be very crucial. Senior members of parliament invited in this event, many senior dignitaries are also present in this function. हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त गेट नंबर 4 से संसद भवन परिसर से मौजूद हैं. मनोज, क्या कुछ देखा आपने, क्योंकि सेंट्रल हॉल से जो तस्वीरें आ रही हैं पूरा भर चुका है. कुछ ही समय के बाद संभवतः कार्यक्रम शुरू होगा. एक बड़ा दिन, एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं. जी बिल्कुल अनुराग जी, एक ऐतिहासिक दिन है और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जैसा नजारा रहा होगा कुछ कुछ ऐसा ही सेंट्रल हॉल का नजारा है और खास तौर पे होना भी चाहिए क्योंकि आज देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा जो आर्थिक कर सुधार है वो होने जा रहा है. देश एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहा है जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारी कर प्रणाली पर पड़ना है. आपने जैसा बताया कि तमाम बड़े नेता इस समय संसद भवन पहुंच रहे हैं और सांसदों में जो सत्ता पक्ष के सांसद है खासतौर से उनमें खासा उत्साह है क्षण को लेकर, क्योंकि जीएसटी को पारित कराने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार ने एक सहमति के साथ इसका रास्ता निकाला उससे एक उत्साह का माहौल है. लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने आज खासतौर से कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और दूसरे दलों ने इससे दूरी बनाई है उसे लेकर कुछ थोड़ी सी निराशा जरूर है और सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना यह था कि अच्छा होता कि आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सदस्य भी इस अवसर पर भाग लेते क्योंकि यह विषय जो है वो किसी एक दल का नहीं है बल्कि देश का है, देश की अर्थव्यवस्था का है, लोगों की भलाई का है, कर प्रणाली को बेहतर बनाने का है. तो एक प्रकार का यहां पर यह नजारा दिख रहा है. अब से कुछ देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचेंगे और तब सीधा प्रसारण जो संसद के सेंट्रल हॉल से किया जाएगा वहां से सीधी तस्वीरें हम आप तक, दर्शकों तक पहुंचाएंगे. एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है अनुराग जी कि ऐसा यह जीएसटी एक ऐसा बिल है जो संसद से पारित हुआ कानून है जो आज सेंट्रल हॉल में देश की आजादी के बिल्कुल जश्न की तरह जिसको एक देश में लागू किया जा रहा है.
जी अनुराग, बिल्कुल ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि संसद भवन में जिस विधेयक को पास किया उसको लागू करने की एक विधिवत कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से हो रही है। मैं आता हूं आपके पास मनोज, लेकिन एक सवाल थोड़ा विपक्ष की राजनीति को लेकर, क्योंकि कांग्रेस इसका पार्ट रही है, उसने भी जिस तरह से इसको समर्थन जिस तरह से लागू कराने की कोशिश की, कुछ उनका विवाद था, कुछ पर्सन को लेकर एक था उनका, इस बात को बायकॉट करना क्या आपको लगता है कि अवॉइड किया जा सकता था और एक ये फंक्शन और ग्रैंड होता? कांग्रेस तो पहली बार जीएसटी बिल पहले लेके आए और अभी भी सपोर्ट किए, खैर अफसोस की बात यह है कि आज के दिन उन्हें बॉयकट कर रहे हैं। हम भी अपोजिशन में हैं, कल इलेक्शन में शायद हम बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ाई करते हैं, लेकिन ये जो है पॉलिटिक्स अलग रखना, क्योंकि यही जो है यही कांग्रेस जो है जीएसटी बिल लाए है और हम भी अपोजिशन में है, लेकिन ये जो है एस्पिरेशन है, ये जो होप है, देश का होप है, कोशिश करेंगे शायद सक्सेस होगा और जरूर इसका सपोर्ट अगर कांग्रेस दिए तो देश पूरा खुशी रहेंगे। राइट, एंड एज प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट ईयर हैड सेड दैट राजनीति से उठकर राष्ट्रनीति की तरफ देखें, यू नो पॉलिटिक्स मस्ट नॉट ओवरराइड पॉलिसी, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू नो डू यू सी दैट जीएसटी हैज दैट पोटेंशियल टू रियली रीशेप $2 trillion इंडियन इकोनॉमी? आई थिंक सो, जीएसटी हैज दैट पोटेंशियल टू रीलुक एट द होल पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटीज वेयर एवरी पार्टी कैन राइज अबव पॉलिटिक्स एंड it's not for the benefit of the ruling party, it's for their own benefit, including our party. We are in the opposition, but this is the opportunity for us to rise above politics, and we hope every party does that. Right. Dr. Chaturvedi, you know, when we talk about the profit and loss component of the GST, there are many sectors which are watching the implementation of GST very, very closely. What, in your opinion, will which sectors you think will really have a major, you know, sort of shake-up because of the implementation of GST, or the sectors which are actually going to have a smooth ride with the implementation of GST? See, there are certain sectors which are completely out of the purview. If you see more or less... quite a few states. Right, you can see Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan arriving, being greeted by Finance Minister Arun Jaitley, and also being attended by Lok Sabha Secretary General Anoop Mishra. Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan will also wait for the arrival of President Pranab Mukherjee. He'll be received and later will... be escorted till the Central Hall. Central Hall, which is conducting this huge event, a mega event, the launch of GST. Right, sir. Yeah. So, if you see, more or less 40% of the revenue of most of the states is from petroleum-based products, and this has been kept out. You have also kept out electricity, you have kept out construction and other sectors. So there are four broad sectors which are completely out of your purview. As a result, around 50% of the revenue of the state is out. So the losses would be on the remaining 50% or 60%. So the variability in terms of revenue returns to specific sectors and states would not be very high. And in any case, the GST Council has worked out several different formulations where compensation would be ensured. As a result, the gaps in the tax returns and revenue, particularly if economic activity or production is not happening in a specific state or it's happening in that specific state. So in either scenario, the compensation would take care of the revenue foregone through a globalized system. Okay. Now, in the last 1 year, we have seen a big major focus on the whole Digital India initiative. In fact, even the GST will revolve much around the digital literacy, the technological revolution that it's going to really bring in. From that perspective, one looks at the present level of digital literacy. You know, we've moved from financial literacy to digital literacy. How far do you feel that the sort of empowerment machinery, empowerment mechanism which must exist in the system as of now really is there for the GST? Implementation. Theoretically, it's very, very possible. We've seen what happened during the demonetization side. There are some villages who went digital. There are some cities who could not go digital. So it's nothing to do with level of literacy or
It's to do the level of awareness and the local governments pushing for it. Right. And I think it's theoretically altogether possible. And GST is yet another tool to make it go forward. Okay. But, डॉक्टर सचिन, एक सवाल कि आपको याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आया था उसके बाद जो भी जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% आई थी. तब विपक्ष ने एक चिंता जाहिर की, देखिए हमने तो कहा था आपसे कि इसका इनिशियल इंपैक्ट नेगेटिव आएगा. क्या जीएसटी का इनिशियल इंपैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में कुछ नेगेटिव हो सकता है? और क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी इस तरह की न्यूज आती है कि देखिए जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें कुछ सेटबैक आया है. देखिए, एक बड़ा कन्विक्शन के साथ ये कदम उठाया गया है और उसमें इतने बड़े पैमाने पर काम होने की संभावना है. आपकी रिपोर्ट ने बताया कि 5 करोड़ तक जीएसटी के जो इनवॉइसेस होंगे वो सिस्टम के अब्जॉर्ब करने की क्षमता है. तो उस बड़े कदम के साथ में कुछ वेरिएशन होगा. जैसा कि हमने खुद एप्रीहेंशन है कि कई चीजें ऐसी क्लासिफाई हो गई हैं अलग अलग ग्रुप्स में. आपने बताया फर्टिलाइजर को वापस कम दर में लाके रखा गया है. ये बदलाव लगातार होते रहेंगे और उसका कुछ असर होगा. ये भी पॉसिबल है कि इस क्वार्टर में उसका इंपैक्ट ग्रोथ के ऊपर भी हो, लेकिन इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है. हम सही दिशा में हैं. इट्स अ पैक्ड सेंट्रल हॉल. सीनियर मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट देयर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ Pranab Mukherjee. You can see on your television screens also the images are being shown of senior BJP leader Lal Krishna Advani, also Minister of External Affairs Sushma Swaraj there in the event, former Prime Minister HD Devegowda will also be sharing the dais with Prime Minister Modi and President Pranab Mukherjee, Nitin Gadkari there, so Jitendra Singh, External Affairs Minister Sushma Swaraj, so all the senior ministers present in this central hall waiting for the big launch of GST at midnight. जी बिल्कुल. और चूंकि सभी लोग पहुंच चुके हैं और हमारे साथ मौजूद विश्वजीत रेड्डी साहब को भी वहां पर जाना है. बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपको वहां जाना है, लिहाजा आपको इजाजत है. लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे हैं. जा सकते हैं बहुत हम हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए. और जैसा मैं आपको बता रहे हैं कि चूंकि सेंट्रल हॉल लगभग भर चुका है, तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, गणमान्य व्यक्ति, तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे हैं और अब सिर्फ राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है. चूंकि वो वहां पर कुछ ही समय के बाद पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होगी और मध्यरात्रि को ठीक 12 बजे राष्ट्रपति नई कर प्रणाली को यानी कि जीएसटी को लागू करेंगे. लेकिन इस देश में जो चिंता है वो संभवतः कल से कुछ दूर होना शुरू हो जाएगी कि क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्योंकि इस देश का आम नागरिक संभवतः इस बात को लेकर ज्यादा परेशान है कि जीएसटी एक नई तरह की कर व्यवस्था अगर लागू होती है तो उससे चीजें सस्ती होंगी या फिर महंगी होंगी. मध्यम वर्गीय या फिर जो गरीब तबका है वो इस बात को जानने में समझने में लगा रहा पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में कि आखिरकार चीजें सस्ती हो रही हैं या नहीं, कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, किस तरह का असर पड़ेगा. हालांकि जानकार इस बात को मानते हैं कि अभी तक पूरी स्थिति साफ संभवतः तब हो पाएगी जब ये प्रणाली लागू की जाएगी. और आज रात से चूंकि लागू होनी है, सरकार ने इस तरह का फैसला किया है, लिहाजा कल के बाद जो कुछ भी स्थिति है वो सामने आना शुरू होगी. कई तरह की चिंताएं, कई तरह की कंप्लेन भी आएंगी कि आखिरकार इसमें लागू करने में, इनवॉइसेस को भेजने में, उनका ऑनलाइन सबमिट करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं. लेकिन अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से. और जैसा कि हमने आपको बताया कि तकरीबन 17 साल की मेहनत के बाद, तमाम सरकारों की और मंत्रियों की मेहनत के बाद आखिरकार जीएसटी लॉन्च होने जा रहे हैं. एक इस तरह की व्यवस्था जो कि इस देश में एक देश एक बाजार और एक तरह का कर प्रणाली, एक तरह की कर व्यवस्था लागू होगी. संसद भवन का केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल एक ऐतिहासिक एक मौका और सेंट्रल हॉल वैसे भी गंवा रहा है और इस बात को लेकर भी ये बात प्रचारित की जा रही है कि एक ऐसा मौका है कि जब 1947 में आजादी की घोषणा मध्यरात्रि में इसी परिसर इसी भवन से की गई थी जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी भारत की आजादी की और ट्राइस विद डेस्टिनी के तहत उसी
सेंट्रल हॉल में उसी केंद्रीय कक्ष में एक तरह की नई व्यवस्था, यानी कि देश की आजादी के बाद से एक बड़ा कर व्यवस्था में बदलाव है, और कह सकते हैं कि आखिरकार एक करों के टैक्सों के उस जंजाल से आजादी है। बहुत से टैक्स को इसमें तकरीबन ये विजुअल आप देख रहे हैं, कुछ ही समय के बाद समर्थ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा, केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार दिखाई दे रहे हैं। Right, so Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar, Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Secretary General Lok Sabha Anup Mishra, Finance Minister Arun Jaitley, waiting for the arrival of Prime Minister Narendra Modi and President Pranab Mukherjee. A midnight joint parliamentary event is celebratory in nature. The first time that a joint parliamentary event at midnight would not really be commemorating a historic event of the past, but rather welcoming an economic change for the country's future. Nearly 1,000 people are witnessing the launch of what is being called the biggest tax reform since independence, and that's the arrival of Prime Minister Narendra Modi. The mind behind the launch of goods and services tax, bringing in the center and states together on one page to implement, really mooting the whole Team India concept, being greeted by Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Finance Minister Arun Jaitley, Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar. They're now waiting for the arrival of the President Pranab Mukherjee. Interestingly, President Pranab Mukherjee, earlier when he was the Finance Minister, had piloted the first constitutional amendment bill to bring in GST in 2011, when he was Finance Minister with the previous UPA government. And now, as the President, he will be marking this historic event with the formal passage of GST, when GST will be implemented all across the nation. One tax, one nation. Though in reality, it's still not one tax, there are four different tax slabs. But again, a historic moment for everybody. As you saw, it's a packed central hall. All members of parliament are there, chief ministers and state finance ministers, senior ministers of the NDA government. On the other side, the opposition parties like the Congress, the Left, the TMC, the RJD, the DMK are boycotting this event. Finance Minister Arun Jaitley earlier had said that this the whole idea of a grand function in the central hall was to mirror the contributions being made by different parties and the states in bringing the new revolutionary tax regime. जी हाँ, तो जीएसटी या कहें कि एक देश में एक तरह का कानून मसला वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का के लागू होने का नहीं है। ये अच्छा लगता है इसमें पूरे सुनना कि पूरे देश में एक तरह की चीज। वो राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद हैं, लोकसभा की स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री अनूप मिश्रा जी भी मौजूद हैं, और इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आने का, जिनके स्वागत के लिए तमाम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। ये है द सेंट्रल हॉल का दृश्य, जहां पर तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि मसला दरअसल एक पूरे देश में एक चीज एक ही दाम पर मिलेगी। देश में दो तरह के टैक्स अब नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है या फिर एक बड़ा मौका है, लेकिन इसमें जितने की बाधाएं आई हैं वो भी अपने आप में, ये सफर 17 सालों में भी बड़ा रोमांचकारी रहा है। जिस तरह की बहस संसद भवन में देखने को मिली, सुनने को मिली, वो भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प रही है। इसको लेकर जिस तरह का एक गतिरोध बना रहा, बीजेपी, कहा नहीं जाता है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब इसका विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद भी उस समय पास नहीं हो पाया, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने न सिर्फ तमाम विपक्षी पार्टियों को मनाया, उनकी बातों को माना, और संभवतः इस नतीजे पर पहुंची कि देश में जीएसटी लागू हो पाए। एक समय तो ऐसा भी था जब लग रहा था कि यह मामला और लंबा खिंचेगा, पता नहीं तमाम पार्टियां राजी होंगे नहीं होंगी, अगर राजी होती हैं तो राज्यों की अपनी जो चिंताएं हैं वो कहां तक दूर होती है। तो एक तरह का तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज यहां पर पहुंचे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको भव्य तरीके से लॉन्च किया जाए, और चूंकि अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम इसलिए भी है क्योंकि अब नई तरह की कर व्यवस्था हो जाएगी, एक नई आदत संभवतः व्यापारियों को भी डालनी होगी कि किस तरह से व्यापार किया जाए, किस तरह से टैक्स जमा किया जाए, किस तरह से ऑनलाइन चीजों को सबमिट किया जाए, ताकि देश में टैक्स का ढांचा, टैक्स नेट बढ़ सके, सरकार की आमदनी होगी, वो सरकार की अगर आमदनी होती है तो देश के विकास के लिए काम आता है। मुख्य तौर पर यह बात समझ में आती है। कुछ जो चिंताएं हैं लोगों की वो इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर है, चिंताएं इस बात को लेकर है कि अगर नई कर व्यवस्था जो लागू होती है, चार तरह के स्लैब हैं या कहें कि जो पांच तरह के स्लैब हैं, 5, 12,
18 28 या उससे ज्यादा के, उसमें आने के बाद जो आमतौर पर चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसमें किस तरह का बदलाव आएगा? चीजें सस्ती होंगी या महंगी होंगी, इसको लेकर कुछ चिंता है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। लेकिन तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जो लोग मौजूद रहे इस डिस्कशन के दौरान, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने भी यह बात मानी कि कुछ हिकअप्स हैं, कुछ चिंताएं हैं और संभवतः उसको दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल है, उन चिंताओं को दूर किया जाएगा, उस तरह की टीजिंग प्रॉब्लम्स आने वाले समय में दूर की जाएंगी। और जीएसटी को समझने का हालांकि जो गुणाभाग है वो काफी पेचीदा वाला रहा, लोग यही पूछते रहे कि कौन सी चीज सस्ती हो रही है, कौन सी चीज महंगी हो रही है, खाने खुले अनाज, गुड़, दूध, अंडे, नमक पर किस तरह की चीज होंगी, दवाई पर क्या होगा, किस चीज को एग्जम्पशन मिली है, किस चीज को नहीं मिली है। सरकार आखिरी मोमेंट पर, अब से कुछ समय पहले जैसा हमने आपको बताया था कि 18वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फर्टिलाइजर को लेकर भी एक कदम लिया गया कि उसको 12% के स्लैब से घटाकर 5% पर लाया गया, यानी कि किसानों की का भी ध्यान रखा गया। Right, so GST will actually subsume more than 17 central and state taxes, and as Anurag was just pointing out, at the stroke of midnight of June 30th and July 1st, India will awake to one country, one tax regime. GST is another historic tryst with destiny for India. In fact, the many benefits being cited of GST, the fact that it's going to check tax evasion, it's expected to propel revenue growth, it's expected to increase the spending capacity of the center and state government. So revenue is being seen as a major factor. GST will also have a positive impact on GDP. And that's the arrival of President Pranab Mukherjee. And he will be making the speech from the same podium where India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru gave his historic tryst with destiny speech to declare India's independence at the midnight of August 14-15. He's being greeted by Parliamentary Affairs Minister Anand Kumar, Finance Minister Arun Jaitley, Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Prime Minister Narendra Modi, Chairman Rajya Sabha Hamid Ansari, and he's now heading towards the Central Hall. जिन लोगों का इंतजार था, जिन गणमान्य व्यक्तियों का इंतजार था, सभी पहुंच गए हैं अब सेंट्रल हॉल की तरफ, अंदर की तरफ रुक गया। ये अंदर की तस्वीरें जहां पर पहले से मौजूद ये पूरा हॉल एक तरह से कहें कि खचाखच भरा हुआ इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह होने का, जहां पर सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों के पहले से मौजूद हैं। और अब से कुछ ही समय के बाद, तकरीबन एक घंटे के बाद, मध्यरात्रि के वक्त पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जरिए जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। जीएसटी की व्यवस्था आज रात मध्यरात्रि से लागू हो जाएगी। और जैसा कहा कि एक देश में एक बाजार और एक तरह की कर व्यवस्था होगी, एक देश में एक एक वस्तु की कीमत दो अलग अलग जगह पर नहीं हो सकती। इस तरह का जो व्यवस्था चली आ रही थी आजादी के बाद से, उसमें बदलाव होगा और यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हालांकि अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले 1994 में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के संदर्भ में जीएसटी का उल्लेख अमरेश बागची की रिपोर्ट के हवाले से किया गया था, पर इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में रखी। उनको इस बात की सलाह उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड ने दी थी। यह ध्यान रखने लायक बात यह भी है कि उस वक्त तक देश ने न तो उस तरह के कंप्यूटर और उस तरह की इंटरनेट की व्यवस्था थी, लेकिन उस वक्त भी इस बात को माना गया कि इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। बाद में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, और आज जाकर एनडीए की सरकार ने, यानी कि 2014 में आई सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम उठाए, चीजों को लागू करवाया और विपक्षियों की बात भी मानी। Right, President Pranab Mukherjee heading towards the Central Hall. Pranab Mukherjee, as the former finance minister, also has his contribution in the GST. He had piloted the first constitutional amendment bill to bring in GST in 2011 when he was finance minister with the previous UPA government. So we are sure that he had his own element in the GST. And some, it's a great moment for him as well when he will be speaking about the big launch of GST. July 1st, tomorrow at the stroke of midnight, GST will be implemented across the nation. And it is not just a victory of a party or government, it is a victory for democratic ethos of India and a victory for everyone. यहाँ तमाम राज्यों, तमाम पार्टियों को इनवाइट किया गया था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी,
Excellency the President, Shri Pranab Mukherjee, the Vice President, the Honorable Shri Hamid Ansari, the Prime Minister, the Honorable Shri Narendra Modi ji, the Speaker of the Lok Sabha, the Honorable Srimati Sumitra Mahajan, a former Prime Minister and senior leader of the country, Shri H.D. Devagowda ji, everyone from the members of the Council of Ministers to the ministers of the state governments, officials, members of parliament, and other dignitaries assembled on this historic occasion. We have assembled today for an important moment in the journey of our great nation. We are in the process of making history with the launch of the Goods and Services Tax. At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India, it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons, and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market, and for one nation. It will be an India where the center and the states work together cooperatively and harmoniously towards the common goal of shared prosperity. It will be an India which will write a new destiny. The GST is an important achievement for the whole country. The unanimity of support for the Constitution Amendment and the consensus-based work of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics and speak in one voice for larger national interest. The quality and the maturity of the debate leading to the Constitution Amendment and in the GST Council underscores this point, that India can collectively think and act with maturity for a broader purpose. The Constitution says that India is a union of states. The union is strong if both the states and the center are strong. That is the real meaning of cooperative federalism. While enacting the GST, neither the center nor the states give up their sovereignty. They have pooled their sovereignty to make joint decisions on indirect taxation. In a large and complex federal system of multi-party democracy, with the center, 29 states, 2 union territories with legislatures, and a wide divergent interest, we have implemented a constitution amendment and brought in a large tax reform, displaying a high point of Indian politics. We have done this at a time when the world is facing slow growth, isolationism, and the lack of structural reforms. With the GST, India has showcased that these forces can be overcome through the display of inclusion, openness, and boldness. For this, all members of Parliament, the state governments, all political parties, state finance ministers, and a dedicated team of officers of the center and the state governments who contributed to this deserve to be appreciated and thanked. Rashtrapati ji, ye jo yatra thi, aap iske sabse pramukh gawah hain ki lagbhag 15 varsh se pehle aarambh hui thi. NDA 1 सरकार ने एक समिति का की रचना की थी, जिसके अध्यक्ष श्री विजय केलकर आज इस सभागार में मौजूद हैं. उन्होंने सन 2003 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी कि इस देश के अंदर
एक वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जीएसटी के नाम से आरंभ किया जाए। 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2010 तक इसको लागू करने का प्रयास होगा और 2011 के बजट में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में बजट पेश किया था तो उसके तुरंत बाद आपने संविधान संशोधन भी देश के सामने रखा था जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र अपने अधिकारों को एकत्रित करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रचना करें। आपकी उस संविधान संशोधन के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी उसने बहुत योगदान लायक सुझाव दिए थे। यशवंत सिन्हा जी आज मौजूद हैं इस सभागार में, वो उसके अध्यक्ष थे और उसका सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी कि जीएसटी काउंसिल की रचना की जाए जिसमें एक तिहाई वोट केंद्र का होगा, दो तिहाई वोट राज्यों के होंगे, लेकिन निर्णय करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। स्टैंडिंग कमेटी के उस निर्णय का यह असर था कि केंद्र और राज्यों को संवैधानिक दृष्टि से इकट्ठा काम करने के लिए मजबूर किया गया और जीएसटी काउंसिल में जो एक प्रकार से कंसेंसस बना उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान स्टैंडिंग कमेटी के उस सुझाव का था। एक पैरेलल रचना राज्यों के वित्त मंत्रियों की थी, एक एम्पावर्ड कमेटी थी और समय समय पर हर सरकार ने एक परंपरा बनाई कि किसी विरोधी पक्ष के दल की जिस राज्य की सरकार हो उसका कोई वित्त मंत्री उस एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष डॉक्टर असीम दास गुप्ता हमारे बीच में हैं और बहुत वर्षों तक देश में उन्होंने कंसेंसस बनाने का एक बहुत बड़ा काम किया। मुझे स्वयं उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करना है कि मुझे पहली शिक्षा जीएसटी पे उनसे ही मिली थी। एक बैठक में प्रोफेसर दास गुप्ता के बाद जम्मू कश्मीर के श्री अब्दुल रहीम राठौर, श्री सुशील मोदी, उसके बाद केरल के श्री के एम मनी, आई थिंक मिस्टर मनी इज ऑल्सो हियर, और फिर बंगाल के डॉक्टर अमित मित्रा, ये एक राज्यों के बीच में आम राय बनाते रहे और इस पूरे इतिहास के बाद इस देश ने कि राजनीति ने ऐसी एक मैच्योरिटी का एक उदाहरण पेश किया जिसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों में सर्वमत से पास हुआ जिससे जीएसटी काउंसिल की रचना हुई। उस रचना के बाद काउंसिल की पहली जिम्मेवारी थी कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए कानून बनाए, वो सभी कानून 5 केंद्र के लिए 1 सभी राज्यों के लिए सर्वसम्मति से बने, संसद ने उसे सर्वसम्मति से पास किया, राज्यों ने एक मत से पास किया और आज वो एक वास्तविकता के रूप में हमारे सामने आया है। जीएसटी काउंसिल 18 बार मिल चुकी है, कुछ बैठकें सुबह से शाम तक और दो दो तीन तीन दिन चलती हैं और एक भी निर्णय पर वोट करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय सर्वसम्मति से हुआ जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, अलग अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि से और एक मत से हर निर्णय उसमें हुआ। अभी तक 24 रेगुलेशंस बन चुके हैं, राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्रों के बारे में बंटवारा क्या रहेगा उस पर निर्णय हो चुका है। 1211 कमोडिटीज हैं जिसपे टैक्सेशन तय करना था, बिना मतभेद के बिना किसी डिसेंट के एक एक कमोडिटी का टैक्स सर्वमत से तय हुआ और उसके पीछे भी दो सिद्धांत थे कि एक आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े,
रेवेन्यू न्यूट्रल रहे कि जितना राजस्व राज्य और केंद्र इकट्ठा करते हैं कम से कम वो बरकरार रहे, और जो मौजूदा टैक्सेशन ढांचा है उससे बहुत अधिक किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड नो अननेसेसरी बर्डन ऑन द वीकर सेक्शंस, और इसका स्वाभाविक एक लाभ हमारे देश को होने वाला है। आज की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है, 1717 23 सेस हैं, उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। हर एक असेसी को अलग अलग टैक्सेशन अधिकारियों के साथ इंटरफेस करना पड़ता था, आज केवल उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक रिटर्न के माध्यम से इंटरफेस करना पड़ेगा, और केवल सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्ट्रेशन ले लेना, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने की 10 तारीख तक केवल एक फॉर्म भरना कंप्यूटर पे कि मेरी पिछले महीने की ट्रांजैक्शन क्या है उस पे डाल देना, और उसके माध्यम से टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना, ये इसकी विशेषता है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट, और चुंगी नाकाओं के ऊपर ट्रकों की भीड़ वो समाप्त होगी, और एक प्रकार से सिंगल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का पूरे देश के अंदर इसके बाद होगा। और इसका एक और लाभ है कि जो एक बार आपने टैक्स दे दिया इनपुट्स के ऊपर, आउटपुट के स्तर पे उसका आपको लाभ मिलने लगेगा, महंगाई के ऊपर भी लगाम लगेगी, टैक्स अवॉइडेंस कठिन होगा, रेट पहले की तुलना में कम होंगे, देश की जीडीपी को लाभ मिलेगा, और जो अधिक राज्यों को और केंद्र को साधन मिलेंगे वो इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध होगा। राज्य ने, केंद्र ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सांसदों ने, सभी विधानसभाओं के सदस्यों ने, सभी राज्य सरकारों ने एक मत से इसमें कार्य किया है। यहां विशेष रूप से मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जीएसटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, राज्यों के वित्त मंत्री, वो सुबह से शाम तक कई दिनों तक बैठे रहे इन निर्णयों को लेने के लिए, और एक लगन के साथ उनकी सहायता में जो अधिकारी राज्यों के और केंद्र के रात रात भर लगे रहे, जो देश में बहुतों को उम्मीद नहीं थी कि पहली जुलाई का टारगेट मीट हो पाएगा, उस टारगेट तक पहुंचने का उन्होंने हम लोगों को एक आज उसके लिए तैयार कर दिया है। मैं विशेष रूप से उन सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार, और आप सब सांसद जो आए हैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से आपको और पूरे देश को वो संबोधित करें। धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के अध्यक्षा जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण और विविध क्षेत्र से पधारे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं।
आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के ओर चल पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की यह प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले कई वर्षों से अलग अलग महानुभावों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, अलग अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाएं चली हैं वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की, भारत के संघीय ढांचे की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। इस पवित्र अवसर पर आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जो दिशा हम सब ने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है, यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, यह हम सबकी सांझी विरासत है। हम सबके सांझे प्रयासों का परिणाम है और रात्रि को 12 बजे इस सेंट्रल हॉल में हम एकत्र आए हैं। यह वो जगह है जिस जगह पे इस राष्ट्र के अनेक महापुरुषों के पदचिन्हों से इस जगह ने अपने आप को पावन किया हुआ है। ऐसी पवित्र जगह पर हम बैठे हैं और इसलिए आज सेंट्रल हॉल की इस घटना के साथ हम याद करते हैं 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक का ये सभागृह साक्षी है। हम उस स्थान पर बैठे हैं जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आंबेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सरोजिनी नायडू, ये सब महापुरुष पहली कतार में बैठे हुए थे उस सदन में, जहां कभी 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, ये स्थान उनका साक्ष्य है।
26 नवंबर 1949 देश ने संविधान को स्वीकार किया। यही जगह उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है। और आज वर्षों के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के लिए, संघीय ढांचे के एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। संविधान का मंथन 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक चला था। हिंदुस्तान के कोने कोने से विद्वत जन उस बहस में हिस्सा लेते थे, वाद विवाद होते थे, राजी नाराजी होती थी, सब मिलकर के बहस करते थे, रास्ते खोजते थे, कभी इस पार कभी उस पार नहीं जा पाए तो बीच का रास्ता खोज करके चलने का प्रयास करते थे। ठीक उसी तरह ये जीएसटी भी एक लंबी विचार प्रक्रिया का परिणाम है। सभी राज्य समान रूप से, केंद्र सरकार उसी की बराबरी में, और सालों तक चर्चा की है। संसद में इसके पूर्व के भी सांसदों ने, उसके पूर्व के सांसदों ने लगातार इस पर बहस की है। एक प्रकार से बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं। जब संविधान बना तो संविधान ने पूरे देश के नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार, उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था खड़ी करती थी। और आज जीएसटी एक प्रकार से सभी राज्यों के उन मोतियों को एक धागे में परोने का और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। जीएसटी ये टीम इंडिया का क्या परिणाम हो सकता है, ये टीम इंडिया की कर्तृत्व शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है। ये जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है। मैं जीएसटी काउंसिल को बधाई देता हूं। अब तक इस काम का नेतृत्व जिन जिन लोगों ने किया है, अरुण जी ने विस्तार से कहा था, मैं उसका पुनरावर्तन नहीं करता हूं, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। इस प्रक्रिया को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज जीएसटी काउंसिल की 18वीं मीटिंग हुई और थोड़ी देर के बाद जीएसटी लागू होगा। ये भी संयोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे
और जीएसटी काउंसिल की भी 18 मीटिंगें हुई और आज हम उस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया थी, परिश्रम थे, शंका आशंकाएं थी, राज्यों के मन में गहरे सवाल थे, लेकिन अथाग पुरुषार्थ परिश्रम, दिमाग की जितनी भी शक्ति उपयोग में लाई जा सकती है लाकर के इस कार्य को पार किया है। चाणक्य ने कहा था, यद दुरम यद दुराद्यम यद च दुरे व्यवस्थितम तत् सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्ति क्रमम। चाणक्य के इस वाक्य ने हमारी इस पूरी जीएसटी प्रक्रिया को बड़े अच्छे ढंग से कहा है। कोई वस्तु कितने ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है। हम कल्पना करें कि देश आजाद हुआ, 500 से ज्यादा रियासतें थी, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को मिलाकर के देश को एक न किया होता, देश का एकीकरण न किया होता, तो भारत का राजनीतिक मानचित्र कैसा होता, कैसा बिखराव होता, आजादी होती लेकिन देश का वो मानचित्र कैसा होता। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। उनतीस राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों की अलग अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल कर रहे थे। आज उन सब से मुक्ति पाकर के अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। और जब इतने सारे टैक्स, 500 अलग अलग हिसाब लगाए, 500 टैक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रखर वैज्ञानिक, उन्होंने एक बार बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है इनकम टैक्स। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं ये सारे टैक्स देख करके क्या कहते, क्या सोचते। और इसलिए, और हमने देखा है कि उत्पाद के अंदर के उत्पादन में तो ज्यादातर कोई बहुत असमानता नहीं आती है, लेकिन जब प्रोडक्ट बाहर जाता है राज्यों के अलग अलग टैक्स के कारण असमानता दिखती है। एक ही चीज दिल्ली में एक दाम होगा, 25-30 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में दूसरा चार्ज लगेगा और उधर नोएडा में गए तो तीसरा होगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा का टैक्स अलग, उत्तर प्रदेश का टैक्स अलग, दिल्ली का टैक्स अलग। इन सारी विविधताओं के कारण सामान्य नागरिक के मन में सवाल उठता था कि मैं गुरुग्राम जाऊं तो यही चीज मुझे इतने में मिल जाती है, मैं वही चीज नोएडा जाता हूं तो इतने में मिलती है और दिल्ली में जाऊं तो इतने में मिलती है। एक प्रकार से हर किसी के लिए कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी और पूंजी निवेश में भी विदेश के लोगों के लिए यह सवाल रहता था कि भाई किस एक व्यवस्था हम समझते हैं और काम कहीं सोचते हैं तो दूसरे राज्य में दूसरी व्यवस्था सामने आती है और एक कंफ्यूजन का माहौल बना रहता था। आज उस पर से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरुण जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि जीएसटी के कारण ऑक्ट्रॉय की व्यवस्था हो,
एंट्री टैक्स हो, सेल टैक्स हो, वैट हो, न जाने कितनी चीजें, सारा वर्णन उन्होंने विस्तार से किया, सब खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम एंट्री के टोल पर घंटों तक हमारे व्हीकल खड़े रहते हैं, देश का अरबों खरबों का नुकसान होता है, फ्यूल के जलने के कारण पर्यावरण का भी उतना ही नुकसान होता है। इस सारी व्यवस्थाएं सिमलेस होने के कारण एक प्रकार से उन सारी अव्यवस्थाओं में से एक मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा। कभी कभार पेरिसेबल गुड़ खास करके समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता था, लेकिन वो जब नहीं पहुंचता था तो उसके कारण उस पहुंचाने वाले का भी नुकसान होता था और जो प्रोसेसिंग करता था उसका भी नुकसान होता था। इन सारी जो व्यवहार जीवन की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं से आज हम मुक्ति पा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है, एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है, एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है, एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी लेकर के आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर के आए हैं। भाइयों साथियों, टैक्स टेररिज्म और इंस्पेक्टर राज, ये बात कोई नई नहीं है, सब दूर ये शब्द हम सुनते आए हैं। परेशानी भुगतने वालों से हमने उस चिंता को अनुभव किया है और जीएसटी की इस व्यवस्था के कारण, टेक्नोलॉजिकली सारा ट्रेल होने के कारण अब अफसरशाही उसके लिए ग्रे एरिया बिल्कुल समाप्त हो रहा है। उसके कारण जो सामान्य व्यापारियों को, सामान्य कारोबारियों को अफसरों के द्वारा जो परेशानियां होती रही हैं, उससे मुक्ति का मार्ग इस जीएसटी के द्वारा, कोई व्यापारी बेवजह परेशान हो वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है। इस पूरी व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को 20 लाख तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है और जो 75 लाख तक है उनको भी कम से कम इस चीजों से जुड़ना पड़े इसकी व्यवस्था की है। ये बात ठीक है कि स्ट्रक्चर में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है, लेकिन वो मिनिमम व्यवस्थाएं, नाम मात्र की व्यवस्थाएं की गई है और उसके कारण सामान्य मानवी जो है उसके लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है। साथियों, जीएसटी की व्यवस्था, ये बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं, सब सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं। अगर हम संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से और बोझ किसी एक पर न जाए, बोझ स्प्रेड हो जाए, हॉरिजॉन्टल जितना हम स्प्रेड करें उतना ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविधा बढ़ती है, और इसलिए उस दिशा में जाने का काम, अब वो कच्चा बिल पक्का बिल सारी खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी।
और मुझे विश्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलना वाला है वो जरूर उसको ट्रांसफर करेंगे ताकि गरीब का भला हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। कभी कभी आशंकाएं होती हैं कि ये होगा डिकना नहीं होगा फला नहीं होगा, और हमारे देश में हम जानते हैं कि जब 10th और 12th के रिजल्ट ऑनलाइन देने की शुरुआत की और एक साथ सब गए जब, तो सारा हैंगअप हो गया और दूसरे दिन खबर यही बन गई कि ऐसा हो गया। आज भी काफी ऐसी चर्चा होती है। ये बात ठीक है कि हर किसी को टेक्नोलॉजी नहीं आती है, लेकिन हर परिवार में 10वीं 12वीं का अगर विद्यार्थी है तो उसको ये सारी चीज आती है। कोई मुश्किल काम नहीं, इतना सरल है। घर में 10वीं 12वीं का विद्यार्थी भी रहता है तो चीजें छोटे से व्यापारी को भी और वो मदद कर सकता है, रास्ता निकल सकता है। जो आशंकाएं करते हैं मैं कहता हूं कृपा करके ऐसा मत कीजिए। अरे आपका पुराना डॉक्टर हो, आप उसी से अपनी आंखें लगातार चेक करवाते हो, वही हर बार आपके नंबर निकालता हो, आपका चश्मा बनाने वाला भी निश्चित हो, आप वहां आपके नंबर बनवाते हो, और फिर भी जब नया नंबर वाला चश्मा आता है तो एक आध दो दिन तो आंख ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है। ये बस इतना ही है, और इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे इस व्यवस्था के साथ हम आसानी से जुड़ जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अफवाहों के बाजार को बंद करें, और अब जब देश चल पड़ा है तो सफल कैसे हो, देश के गरीब जनों की भलाई के लिए कैसे काम हो, उस पर हम देकर के चलें। और तब जाकर के जीएसटी के इस निर्णय का वैश्विक इकोनॉमिक वर्ल्ड में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। भारत में जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रकार की व्यवस्था बहुत आसानी से वो समझ पाते हैं और उसको चला पाते हैं। मैं समझता हूं भारत में और आज दुनिया का एक प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में, निवेश के लिए प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में भारत को हर प्रकार से स्वीकृति मिली है, और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने की मिलेगी। जीएसटी एक ऐसा कैटलिस्ट है जो देश के व्यापार को, उसमें जो असंतुलन है उस असंतुलन को खत्म करेगा। जीएसटी एक ऐसा कैटलिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बल मिलेगा, और जीएसटी एक वो व्यवस्था है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो राज्य पीछे रह गए हैं उनको वो अवसर तलाशने में बहुत दम गूंथना पड़ता है। उन राज्यों का कोई दोष नहीं है, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। हमारा बिहार देखे, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखे, हमारा पश्चिम बंगाल देखे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के देखे, हमारा उड़ीसा देखे, संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको यह व्यवस्था, जब जिस एक कानून की व्यवस्था मिल जाएगी, मैं साफ देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा के विकास के में जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर इसे मिलने वाला है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना, यह अपने आप में विकास के राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जीएसटी एक प्रकार से जैसे हमारी रेलवे है, रेलवे केंद्र और राज्य मिलकर के चलाते हैं, फिर भी भारतीय रेल के रूप में हम देखते हैं, राज्य के अंदर स्थानीय रूप से मदद मिलती है, एक समान रूप से हम देखते हैं। हमारी सेंट्रल सर्विस के अधिकारी केंद्र और राज्यों में वितरित हैं, फिर भी दोनों तरफ से मिलकर के चला सकते हैं। एक जीएसटी ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य के लोग मिलकर के निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं। यह अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था आज हो रही है, और जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियां हमें गर्व के साथ स्वीकार करेगी।
2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। न्यू इंडिया का सपना लेकर के हम चल पड़े हैं, 125 करोड़ देशवासी न्यू इंडिया बनाने के सपनों को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगी। और हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया है, लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता रहस्य लिखा है, उस गीता रहस्य के समापन में उन्होंने वेद का एक मंत्र को उसमें समाहित किया है, उस वेद का मंत्र आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। और लोकमान्य तिलक जी ने कहा है, उसका उल्लेख किया हुआ है, मूलतः ऋग्वेद का श्लोक है, समान आकृति ही समाना हृदय समान मस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। आप लोगों का संकल्प निश्चय और भाव अभिप्राय एक समान रहे, आप लोगों के हृदय एक समान हो, जिससे आप लोगों का परस्पर कार्य सर्वत्र एक साथ भली प्रकार से हो सके। इस भाव से लोकमान्य तिलक जी ने भी हमें आज परिणाम दिया है। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है, जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है, जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। और गुड इसलिए कि टैक्स पर टैक्स जो लगते थे उससे मुक्ति मिल रही है, सिंपल इसलिए है कि पूरे देश में एक ही फॉर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी और उसी व्यवस्था से चलने वाला है, और इसलिए उसे हमें आगे बढ़ाना है। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने समय निकाल करके, क्योंकि इस सारी यात्रा के वे भी एक साथी रहे, सहयात्री रहे, इसके हर पहलू को उन्होंने भली भांति देखा है, जाना है, प्रयास किया है, उनका मार्गदर्शन इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनेगा, नया उमंग और उत्साह मिलेगा, और उसको लेकर के हम आगे चलेंगे। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी से, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वो आज आए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, और उनकी बातें हम सबको एक नई प्रेरणा देती रहेगी। इसी एक भाव के साथ मैं फिर एक बार इस प्रयत्न के साथ जुड़े हुए हर किसी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं, और श्रद्धेय राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री एच डी देवेगौड़, श्रीमती सुमित्रा महाजन स्पीकर लोकसभा, श्री अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ we will witness the launch of goods and services tax, a unified tax system in the country. This historic moment is the culmination
a 14-year-long journey which began in December 2002 when the Calcutta Task Force on Indirect Taxes suggested a comprehensive goods and service tax based on the value-added tax principle. The proposal to introduce the GST was first mooted in the budget speech for the financial year 2006-07. Since the proposal involved restructuring and reform of not only the indirect taxes levied by the center but also the states, the responsibility of preparing a design and plan of action for the implementation of GST was assigned to the empowered committee of state finance ministers, which had been formed earlier for the implementation of the value-added tax. The empowered committee released the first discussion paper on goods and service tax in November 2009. Friends, ladies and gentlemen, the introduction of GST is a momentous event for the nation. It is also a moment of some satisfaction for me personally, because as finance minister I had introduced the Constitution Amendment Bill on 22nd March 2011. I was closely involved in the design and implementation and the occasion to meet the empowered committee of state finance ministers formally and informally as many as 16 times. I also met the chief ministers of Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh and Maharashtra a number of times, and I have a vivid recollection of those meetings and the various matters that were raised, given the magnitude of the task, which spans constitutional, legal, economic and administrative spheres. It was not a surprise that there were many contentious issues. Yet I found both in these meetings and in many interactions with chief ministers, finance ministers and officers of state that most of them had a constructive approach and an underlying commitment to the introduction of GST. I therefore remained confident that GST was a matter of time and it would eventually be implemented. My confidence stood justified when on the 8th September of 2016, after the bill was passed by both the Houses of Parliament and more than 50% of state legislatures, I had the privilege of giving assent to the Constitution 101st Amendment Act. Friends, after the amendment of the Constitution, the GST Council has been constituted as per the provisions of Article 279A of the Constitution. The Council, which is responsible for making all recommendations of the Union of States in respect of GST, such as model laws, rates, exemptions, is unique in our Constitution. It is a joint forum of the Centre and the States, where neither the Centre nor the States can, without the support of the other, take any decision. Though an elaborate voting structure has been built into the decision-making process of the Council in the Constitution, it is remarkable that 18 meetings held so far, all decisions have been taken by consensus in the Council. I congratulate them. There were apprehensions whether the tax task of fixing rates for thousands of items could be accomplished by the GST Council, given the wide variations across states. The Council has pleasantly surprised every one of us by completing its task on time. Friends, the new era in taxation, which we are about to initiate in a few minutes, is the result of broad consensus arrived at between the center and states. This consensus took not only
time but also effort to build. The effort came from persons across the political spectrum who set aside narrow partisan considerations and put the nation's interest first. It is a tribute to the maturity and wisdom of India's democracy. Friends, even for a person like me, who has been intimately involved in matters of taxation and finance, the scope of the change we are undertaking is truly breathtaking. Central excise duty has a long history. During my different tenures as finance minister, it has always been one of the largest contributors to the central exchequer. Service tax is relatively new, but has grown very rapidly in revenue terms. Except for a few goods outside the purview of goods and services tax, both of these will now disappear along with the additional customs duty, special additional duty of customs, and numerous cesses and surcharges. Central sales tax on interstate will cease for goods falling under the Goods and Services Act. At the state level, the enormity of the change is not less. The major taxes being subsumed are value-added tax, sales tax, entry tax, taxes on advertisement, and luxury tax, along with the state-level entertainment tax and numerous cess and surcharges. Ladies and gentlemen, GST will also make our exports more competitive and also provide a level playing field to domestic industry to compete with imports. Currently, due to cascading, our exports still carry some embedded taxes, making them less competitive. Similarly, the hidden effect of cascading means that the total tax incidence on domestic industry is not transparent. Under GST, the tax incidence will be transparent, enabling full removal of tax burden on exports and full incidence of domestic taxes on imports. Ladies and gentlemen, I am told that GST will be administered through a modern world-class information technology system. I recall that in July 2010, I had set up an empowered group of development of IT systems required for the GST regime under the chairmanship of Sri Nandan Nilekani. Subsequently, in April 2012, a special purpose vehicle, GST network, was approved for creation by the government for GST implementation. This was to ensure that we have no time and as and when the legislative framework is in position, the technical infrastructure should be ready to take forward GST. I am told that a key feature of the system is that buyers will get credit of tax paid on inputs only when the seller has actually paid taxes to the government. This creates a strong incentive for buyers to deal with the honest and compliant sellers who pay their dues. Friends, GST is a disruptive change, no doubt. It is similar to the introduction of the VAT when there was initial resistance. When a change of the magnitude is undertaken, however positive it may be, there are bound to be some teething troubles and difficulties in the initial stage. We will have to solve these with understanding and speed to ensure that it does not impact the growth momentum of the economy. Success of such major change always depends on their effective implementation in the months to come. Based on the experience of actual implementation, the GST Council and the central and state government should continuously review the design and make improvements in the same constructive spirit as it has been displayed till now. In conclusion, I would like to express my deep appreciation for all those who made tremendous efforts to make this heartbreaking
legislation. Thank you. Jai Hind. May I request the Honorable Rashtrapati Ji and the Prime Minister and other dignitaries to come up and press the button and officially launch the GST. So India has created a historic moment today. GST is here. Finance Minister, Prime Minister Modi and President Pranab Mukherjee, everyone cited the significant benefits of GST, the fact that GST will spur investment, promote exports and also bridge regional disparities between different states. Finance Minister Arun Jaitley wholeheartedly expressed his gratitude to all the states, to all the chief ministers and finance ministers of different states for really promoting this enormous model of cooperative federalism. Prime Minister Modi said that GST is in fact a result of deliberations and discussions. It will subsume 17 states and central taxes and 23 cess. Prime Minister Modi also said it's important to be optimistic. It will initially, there will be challenges, the fact that digital literacy in the country is still very limited, but he said we need to be optimistic. Any change takes time. बिल्कुल 1947 के यानी कह सकते हैं 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त की उस मध्यरात्रि के बाद यह ऐतिहासिक मौका
जबकि संसद के केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में मध्यरात्रि में भारत में एक नई कर व्यवस्था, कहा गया कि एक तरह से कर में जितनी भी अनियमितताएं थी उसमें से आजादी दिलाने की दिशा में जीएसटी को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया। वो तमाम परेशानियां, वो तमाम हिकअप्स, वो तमाम बाधाएं जो कि आती रही, वो यूपीए सरकार के दौरान हो, यूपीए 2 सरकार के दौरान हो या फिर एनडीए सरकार के दौरान, उन सबको बाहर करते हुए आखिरकार प्रधानमंत्री जैसे कहा कि 18 जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और गीता में भी 18 अध्याय होते हैं। इकोनॉमिकली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी और कंट्री से एक बेहतर देश की तरफ जाएगा और जीएसटी भारत के इतिहास में एक विजनरी संवैधानिक क्षण भी है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश स्वेच्छा से करों को लेने की अपनी कुछ संप्रभुता को छोड़ने को तैयार हो गए, पूरा देश, ताकि राष्ट्र का एक सामूहिक आर्थिक व सामाजिक कल्याण हो सके। यह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि भारत को करों और व्यवस्था की तमाम सौगात देने वाला इंग्लैंड ब्रेग्जिट को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारतीयों ने, हिंदुस्तान ने सम्मिलित संप्रभुता का रास्ता चुना, जो कि इस एहसास पर आधारित है कि ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से या फिर कहें अलग रोकर काम करना मुश्किल है। जीएसटी जो कभी दूर का सपना लगता था आज हकीकत है और उसका श्रेय बहुत सारे लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने ये नतीजा दिया है। ये सरकार यानी कि मोदी सरकार पर कभी कभी तानाशाही रवैया का आरोप लगता रहा है, वो आलोचना झेलती रही है, लेकिन इसी सरकार ने धैर्य और सुनने की अपनी काबिलियत का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उसने हटी और अड़े हुए राज्यों की खुशामद की, मान मनोवल की।